गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। तो गाइस, आज हम लोग जा रहे हैं देहरादून में। एक पिकनिक स्पॉट है जिसका नाम है माल देवता। तो हम लोग माल देवता जा रहे हैं, और अभी सुबह के 7:30 बज रहे हैं ऑलमोस्ट। और चलते हैं, हम देखते हैं कैसा है पिकनिक स्पॉट। आप लोग भी देखिए। इस मास्क पहनते हैं क्योंकि सेफ्टी कम्स फर्स्ट, और चलते हैं। उसके खाली कहेंगे हम, क्योंकि ज्यादातर हमें यहाँ बहुत ट्रैफिक मिलता है, जैसे कि आप लोग को पता ही है। तो अभी फिलहाल ट्रैफिक नहीं है, तो उसका फायदा उठाया जाए, सुबह सुबह निकला जाए तो अच्छा है। गाइस, कहीं भी आप किसी भी पिकनिक स्पॉट पे जाएं या कहीं भी घूमने जाएं, तो कोशिश करिए जितनी जल्दी निकले उतना अच्छा है, क्योंकि ट्रैफिक कम मिलेगा, भीड़ कम होगी। तो हम लोग अपने एक फ्रेंड का वेट कर रहे थे, वो अभी आए हैं। तो अब चलते हैं माल देवता, कंटिन्यू करते हैं। ये यहाँ का परेड ग्राउंड है। यहाँ पे काफी सारे फंक्शंस और सर्कस और काफी सारे फेस्ट वगैरह लगते हैं। आ चुके हैं, और देखिए कितना प्यारा व्यू है यहाँ पे। सूर्य देव की कृपा से इतना सुंदर सब कुछ दिख रहा है हमें, तो बहुत अच्छा है। पहुंचने वाले हैं माल देवता, यहाँ से थोड़ा सा ही दूर है। तो आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे आर्मी कैडेट्स दिख रहे हैं काफी सारे। तो ये बेसिकली यहाँ पे जो है वो आर्मी का शूटिंग रेंज है, जहाँ वो लोग प्रैक्टिस करते हैं। देखिए सुबह सुबह बच्चे निकले हैं साइकिलिंग करने के लिए। सुबह सुबह लोग साइकिलिंग करने, जॉगिंग करने निकल जाते हैं यहाँ पे। ये रूट जो आप देख रहे हैं, ये जाता है सहस्त्रधारा, और यहीं से मसूरी का रूट भी है। और हम पहुंचने वाले हैं इसी रूट से माल देवता। ये माल देवता का रूट है, यहाँ से बस 1 किलोमीटर की दूरी पे है। तो गाइस, फाइनली हम लोग माल देवता पहुंच चुके हैं, और ये देखिए कितना प्यारा व्यू है। हमें जाना वहाँ पे है, उस एंड पे जहाँ पे आप देख रहे होंगे वाटरफॉल है, वहाँ तक जाना है हमें। अब जो है हमें मेन उधर जाना है, तो चलते हैं वहाँ। अभी काफ़ी भीड़ हो चुकी है, क्योंकि सूरज निकले हुए काफ़ी देर हो चुकी है, लोग सुबह सुबह आ जाते हैं। तो देखते हैं, चलते हैं कैसा है। वैसे बहुत प्यारा व्यू है, आपको देखने को मिलेगा। ये है मेन एंट्री माल देवता की, और यहाँ पे देखिए गाइस, व्यू देख रहे हैं आप कितना प्यारा लग रहा है। इसी व्यू के लिए लोग आते हैं यहाँ सुबह सुबह, इसी व्यू को एंजॉय करने। अब तो फिर भी काफ़ी लोग आ चुके हैं यहाँ पे। ये देखिए गाइस कितना प्यारा, ये देखिए
नज़ारा भी हुआ है देखिए। पानी का फोर्स देखिए अभी आप कितना तेज है। ऐसा इस वजह से है क्योंकि अभी अगस्त का मंथ गया है, अभी अभी बारिश का महीना, तो इस टाइम पे पानी बहुत रहता है सितंबर अक्टूबर के टाइम पे। ये आसपास का एरिया है मालदेवता का, तो पूरा पहाड़ी पहाड़ है इसके आसपास, और थोड़े बहुत लोग आते रहते हैं यहाँ पे शूट वगैरह के लिए। और जो फैमिलीज वगैरह है वो आके चली गई हैं, काफ़ी भीड़ थी अभी यहाँ थोड़ी देर पहले, लेकिन अब सब लोग ज़्यादातर लोग चले गए हैं, तो अभी सिर्फ कुछ ही लोग बचे हैं, 3-4 लोग, देखिए सब इंजॉय कर रहे हैं। काफ़ी अच्छा लगता है फ्रेंड्स, और पानी काफ़ी ठंडा है तो आपको बहुत मज़ा आएगा। तो गाइस टाइम काफ़ी हो चुका है और अब हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं, और काफ़ी मज़ा आया हमें यहाँ। तो गाइस जगह का नाम है माल देवता, और आप लोग जब भी देहरादून आएँ इस जगह ज़रूर आएँ, और कोशिश की करिए कि कभी भी आएँ तो सुबह के टाइम है, अर्ली मॉर्निंग, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग आपको क्राउड कम मिलेगा और आप अच्छे से व्यू इन्जॉय कर सकते हैं फैमिली के साथ। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।